लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान को लेकर सीएम ने मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब की बार 400 के पार, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा माहौल बन गया है कि विपक्षी ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में आने वालों की श्रृंखला इतनी लंबी हो गई है कि हमें निवेदन करना पड़ रहा है कि आराम से रहो। इसी के साथ उन्होंने सभी कर्मचारियों को होली की बधाइयां भी दी हैं। अब की बार 400 पार भाजपा, आप जो कहती है वो करके दिखाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब दो बार सफलता के साथ सरकार बना चुके हैं और हम इस बात के लिए गौरवान्वित है कि जब जब उनने कहा था जैसा जैसा हमेशा वो सिद्ध हुआ है। और अब की बार तो ये भारत दुनिया का नंबर एक देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार 400 पार, और यहाँ हमारे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आलोक जी हैं, पूरी पार्टी लगी हुई है सरकार के कामों के बलबूते पर, और जिस प्रकार का माहौल बन रहा है हमसे ज़्यादा तो विपक्षी परेशान है और हम सब देख भी रहे हैं। लगातार रोज एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ करके आने वालों की श्रृंखला इतनी लंबी हो गई, हमको थोड़ा निवेदन करना पड़ रहा है कि जरा आराम से रहो। लेकिन आज तो गोलघर के उद्घाटन के अवसर पर आए हैं, मैं अपनी ओर से इस प्राचीन विरासत के लोकार्पण के लिए बधाई देना चाहूँगा पुरातत्व विभाग को, टूरिज्म विभाग को, और ये उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार की रचना बनी है इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग आकर के देखें, इसका उपयोग करें, इस निर्माण को समझे, इस विधा को समझे, मेरी अपनी ओर से बधाई। सर होली के पहले 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया,